आज शुरू कर रही हूं क्लास रूल नंबर चार से। रूल नंबर फोर, रूल नंबर फोर कहता है इंग्लिश की किसी भी लाइन में सम ऑफ दिखेगा, मोस्ट ऑफ दिखेगा, अलॉट ऑफ दिखेगा, हाफ ऑफ दिखेगा, मच ऑफ दिखेगा, मैनी ऑफ दिखेगा, इनफ ऑफ दिखेगा या प्लेंटी ऑफ दिखेगा। ये भी सारे के सारे फ्रेजेस हैं, ये सारे भी क्या हैं, फ्रेजेस हैं। कल बता के गई थी फ्रेज का मतलब जिनका मीनिंग अधूरा है सेंटेंस में जाके पूरा होगा, तो ये भी सारे फ्रेजेस हैं सेंटेंस में जाके पूरे होंगे। तो ध्यान से सुनिए, ये शब्द जहां पर भी लग जाएं, आपको अपना सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है। अब सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में कुछ बता रहे हो, जिसके बारे में कुछ कह रहे हो, जिसके बारे में कुछ बोल रहे हो, वो आपका सब्जेक्ट है। तो जैसा एग्जामिनर हमें सब्जेक्ट देगा वैसे हम क्या इस्तेमाल करेंगे, वर्ब। यानी सीधी सी भाषा में सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल होगी। स्ट्रेट अवे रूल ये बन गया कि सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल। कब? जब इनमें से कोई ना कोई फ्रेज हमें इंग्लिश की लाइन में दिखाई देगा तब। किस तरीके से, देखो बेटा, मैंने पहला एग्जाम्पल लिखा सम ऑफ द बॉयज इज हैप्पी। सेंटेंस गलत हो गया। सेंटेंस गलत क्यों हो गया, क्योंकि सम ऑफ कहता है मेरे साथ जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी वर्ब लगानी पड़ेगी। अब सब्जेक्ट तो है प्लूरल तो वर्ब होनी चाहिए प्लूरल, यानी इज गलत है, हमें यहां लिखना चाहिए था आर। तो सही सेंटेंस क्या तैयार हुआ, सम ऑफ द बॉयज आर हैप्पी। अब इसी सेंटेंस को मैंने कहा सम ऑफ द फूड इज स्टेल्ड। स्टेल का मतलब बासी खाना होता है, सम ऑफ द फूड इज स्टेल्ड। अब अगर हम ध्यान दें तो हमें फिर से दिखाई दे रहा है सम ऑफ, और सम ऑफ कहता है मैं चलूंगा अपने सब्जेक्ट के हिसाब से। फूड हमें साफ साफ दिख रहा है सिंगुलर है, बहुवचन तो इस शब्द का वैसे भी नहीं होता, फूड सिंगुलर है तो वर्ब तो बिल्कुल सही लगा रखी है सिंगुलर, यानी पेपर में इसका आंसर होगा नो एरर, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जैसा वैसी वर्ब। अगर हमारे सब्जेक्ट जैसी वर्ब नहीं होगी तो वही एरर होगा। पीडीएफ का एग्जाम्पल क्या कह रहा है, पीडीएफ का एग्जाम्पल कह रहा है सम ऑफ है बुक्स के हिसाब से वर, सम ऑफ है वाटर के हिसाब से हैज, मच ऑफ है फूड के हिसाब से इज, हाफ ऑफ इसी रूल में था सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लगानी है तो मैंगो के हिसाब से वॉज, हाफ ऑफ इसी रूल में था पर हमें सब्जेक्ट के हिसाब से लगानी है तो मैंगोज के हिसाब से वर, राइस के हिसाब से चलना है, राइस सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब होती हैज, हाउस के हिसाब से चलना है, हाउस सिंगुलर है सिंगुलर के लिए हैज, स्टूडेंट्स के हिसाब से चलना है, स्टूडेंट्स तो प्लूरल है तो इसके हिसाब से हैव हो गया। रूल नंबर फाइव, रूल नंबर फाइव ये कहता है इंग्लिश की किसी भी लाइन में अगर आपको दिखाई दे रहा है ईदर के साथ और, ये बात ध्यान से सुनना, मैं इसको आइदर नहीं बोल रही हूं, नीदर के साथ नोर, मैं नाइदर नहीं बोल रही हूं, जहां भी शब्द आएगा इधर और, जहां भी शब्द आएगा नीदर नोर, जहां भी शब्द आएगा नॉट ओनली बट ऑल्सो वेदर और, ये कंजंक्शंस हैं। ये शब्द जहां भी आएंगे ये कंजंक्शन है, और कंजंक्शन का मतलब है प्लस, एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से जोड़ती है कंजंक्शन, ठीक है। और ये सारी वो कंजंक्शंस हैं जो कहती हैं हम सब्जेक्ट नंबर वन की बात नहीं करते, हम तो सब्जेक्ट नंबर टू की बात करेंगे, और हमारे लिए अगर वर्ब लगानी है तो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए लगाना, सब्जेक्ट नंबर टू के लिए। तो हमारे बच्चे को सिर्फ इतना ही करना है, ये शब्द जहां भी दिखाई दे सब्जेक्ट नंबर वन के लिए नहीं वर्ब आएगी टू के लिए। जिस तरीके से हमने कह दिया भाई, हमने कह दिया ईदर आई और यू,
आर हैप्पी। इधर और कह रहा है मैं तो सेकंड सब्जेक्ट को देखूंगा और सेकंड सब्जेक्ट यू है, आपको बेसिक में सिखा चुकी हूं, प्लूरल चलता है, तो आर बिल्कुल सही है। तो वाक्य तैयार हो गया, इधर आए और यू आर हैप्पी। आओ कुछ प्रैक्टिस देखते हैं बच्चों। ये लीजिए 5 क्वेश्चन आपके सामने। नॉट ओनली बट ऑल्सो कहता है सेकेंड सब्जेक्ट के हिसाब से चलूंगा तो सन्स के हिसाब से वर बिल्कुल सही है। नीदर नोर कहता है सीता के हिसाब से चलूंगा तो वर बिल्कुल गलत है, वॉज होना चाहिए। नॉट ओनली बट ऑल्सो कहता है वेटर्स के हिसाब से चलूंगा तो इज नहीं, आर होना चाहिए। इधर ही और आए, आए कहता है मेरे साथ इज नहीं, एम होना चाहिए। वेदर और कहता है टीचर के हिसाब से चलूंगा तो हैज बिल्कुल सही था, क्योंकि टीचर तो सिंगुलर है तो वो अब आएगी सिंगुलर। रूल नंबर 6, बड़ा ही मजेदार रूल है ये, बड़ी ही बारीकी से आपके दिमाग से खेल जाता है एग्जामिनर इसमें। पेपर में जब ये आता है ना नियम, तो बच्चे भ्रमित हो जाते हैं, गलत आंसर चुनाते हैं, तो ध्यान मेरी तरफ रखिएगा प्लीज, धोखा हो सकता है नहीं तो। सुनिए इस रूल की पहचान है, हमें सेंटेंस में दिखेगा ए नंबर ऑफ या हमें सेंटेंस में दिखेगा द नंबर ऑफ, ये दोनों भी फ्रेज हैं। ए नंबर ऑफ का मतलब होता है बहुत सारे, ये मैनी का काम करता है। ए नंबर ऑफ का मतलब होता है बहुत सारे, कईयों की बात हो रही है, ये मैनी की तरह इस्तेमाल होता है। ए नंबर ऑफ बहुतों की तरफ इशारा करता है, कईयों के लिए आता है, मैनी की तरह ये इस्तेमाल होता है। जबकि द नंबर ऑफ वन ऑफ के लिए आता है, कईयों में से एक। द नंबर ऑफ का मतलब होता है वन ऑफ, बहुतों में से कोई एक। तो अब इससे फर्क क्या पड़ेगा मैम, ए नंबर ऑफ जब बहुत सारों को दिखाएगा तो वर्ब भी प्लूरल लेगा और सब्जेक्ट भी, जबकि द नंबर ऑफ कईयों में से एक दिखा रहा है इसलिए सब्जेक्ट तो प्लूरल है लेकिन वर्ब कैसी आएगी सिंगुलर, क्योंकि द नंबर ऑफ कह रहा है बहुतों में से एक। ए नंबर ऑफ सब्जेक्ट और वर्ब दोनों प्लूरल, द नंबर ऑफ सब्जेक्ट प्लूरल लेकिन वर्ब सिंगुलर। मैंने कहा अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर लर्निंग इंग्लिश, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर लर्निंग इंग्लिश, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर लर्निंग इंग्लिश। अब ध्यान से देखो, अ नंबर ऑफ यानी बहुत सारे, इसलिए स्टूडेंट्स भी प्लूरल है और आर भी प्लूरल है, स्टूडेंट्स भी प्लूरल है और आर भी प्लूरल है। अगर मैं इसी सेम क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, ए की जगह लिख देती हूं द, थोड़ी देर पहले ए था, सेम क्वेश्चन है, मैंने क्या लिख दिया द, अब बात हो रही है कईयों में से किसी एक की, कईयों में से किसी एक की, तो उस लॉजिक से स्टूडेंट्स तो अब भी सही है पर आर की जगह क्या होना चाहिए इज होना चाहिए। तो अब हमारा सही सेंटेंस क्या बन गया, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज लर्निंग इंग्लिश, बैठे तो बहुत सारे हैं पर सीख कोई एक ही रहा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज लर्निंग इंग्लिश। अब ये चीजें पेपर में जब आती हैं तो हमारे बच्चे लोग क्या करते हैं, हमारे बच्चे लोग करते हैं भाई द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो बहुवचन लग रहा है, स्टूडेंट्स बहुवचन लग रहा है तो आर लगा देते हैं कि बहुत सारे बच्चे दिखाए जा रहे हैं भाई आर आएगा। अब जिसे रूल का ज्ञान है वो हिंदी पे नहीं जाएगा, वो जचाएगा भी नहीं, उसको सीधा दिख रहा है द नंबर ऑफ, देखते ही सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब सिंगुलर। हमारी सबसे बड़ी समस्या है, हम बचपन से हिंदी बनाना सीख रहे हैं आज तक नहीं आ रही है, हम बचपन से जचा जचा के इंग्लिश कर रहे हैं आज तक नहीं आ रही है, यानी तरीका बदलने की सख्त जरूरत है। आप फॉर्मूलाज सीखिए, आप कॉन्सेप्ट सीखिए, आप रूल सीखिए, आप बेसिक सीखिए और फिर उसको जब अप्लाई करोगे ना क्वेश्चन पे तो सेकंडों में क्वेश्चन सॉल्व होगा, और सेकंडों में जब क्वेश्चन सॉल्व होगा तो खुद पे विश्वास होगा मुझे इंग्लिश आ रही है, और मुझे इंग्लिश आ रही है जब हो जाएगा ना तो खुद ब खुद पढ़ने लगोगे, और पढ़ने लगोगे तो आ ही जाएगी, जो चीज हम ठान लें कि हमने करनी है तो हम जान ही लेते हैं कि हमें आती है, ठीक है। तो वो दिन आएगा, बस लगे रहना है बेटा हमें,
अब पांच क्वेश्चन आपके लिए, इस कॉन्सेप्ट के पांच क्वेश्चन बच्चों आपके सामने। ए नंबर ऑफ, सब्जेक्ट भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल। द नंबर ऑफ, सब्जेक्ट प्लूरल पर वर्ब सिंगुलर। करते करते याद हो जाएंगी ये बातें, घबराना मत। ए नंबर ऑफ, सब्जेक्ट प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल। द नंबर ऑफ, सब्जेक्ट तो प्लूरल ठीक है और वर्ब भी सिंगुलर, ठीक हो गया भाई, ये तो नो एरर था बच्चों। द नंबर ऑफ, सब्जेक्ट तो प्लूरल ठीक है पर वर्ब होनी चाहिए थी सिंगुलर। रूल नंबर 7 और टॉपिक है वर्ब। चलो सीखते हैं, सुनो ध्यान से। रूल नंबर 7 कह रहा है जहां पे भी आपको मैनी शब्द दिखाई दे, थोड़ी देर पहले ही कहा था मैनी मतलब बहुत सारे, तो सब कुछ प्लूरल, सब्जेक्ट भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल। पर हमारे जो सरकारी नौकरी देने वाले लोग बैठे हैं ना, वो खेलवाड़ करते हैं दिमाग से, मैनी के पीछे ए लगा देंगे या आपको कंफ्यूज करने के लिए मैनी के आगे ए लगा देंगे। अब फर्क क्या पड़ता है, इंग्लिश कहती है जहां अकेला मैनी आए सब कुछ प्लूरल लगाइएगा, जहां मैनी के पीछे ए आ जाए सब कुछ सिंगुलर कर देना, क्योंकि ए तो एक समय पर एक को ही दिखाएगा और एक समय पर एक को ही दिखाएगा तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाएगा, और जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो वर्ब तो निश्चित तौर पर सिंगुलर करनी पड़ेगी। तो उस लॉजिक से अकेला मैनी प्लूरल है पर मैनी के साथ ए लगते ही कैसा हो गया भाई, सिंगुलर हो गया। अब इधर आ जाओ, यहां मैनी के आगे ए लग गया है और हमारा सब्जेक्ट जुड़ेगा मैनी के साथ ना कि ए के साथ, तो इस वजह से दोबारा से कैसा हो गया, सब कुछ प्लूरल हो गया। ध्यान से समझना बेटा, इस रूल में मैंने बहुत बच्चों को नंबर कटवाते देखा है। एग्जामिनर आपको पेपर में मार्कर चेंज करके बताती हूं, लाइन के अंदर या तो मैनी लिख के देगा या मैनी के पीछे ए लिख के देगा या मैनी के आगे ए लिख के देगा। तो मैनी तो बड़ी आसान बात है, सब कुछ प्लूरल, क्योंकि मैनी का मतलब बहुत सारे, बहुत सारों की बात करेंगे तो सब कुछ कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। पर ये जो पीछे ए लगता है ना, ये इशारा करने लगता है एक की तरफ, और इशारा एक की तरफ होगा और इस एक के साथ ही लिखोगे तो सब कैसे चलेगा, सिंगुलर। अब जैसे ही उसने ए को आगे ले आया, अब हमारा सब्जेक्ट किससे जुड़ रहा है भाई, मैनी से जुड़ रहा है, मैनी से जुड़ रहा है तो वापस से कैसा हो जाएगा, प्लूरल। एग्जाम्पल से समझते हैं, आओ। मैंने कहा मैनी गर्ल्स आर डांसिंग, ठीक हो गया भाई, कई सारी लड़कियां नाच रही हैं। अब मैंने कहा मैनी अ गर्ल इज डांसिंग, कोई एक लड़की नाच रही है। मैनी अ गर्ल इज डांसिंग, कोई एक लड़की नाच रही है। ओ मैनी गर्ल्स आर डांसिंग, कई सारी लड़कियां नाच रही हैं, कई सारी लड़कियां नाच रही हैं। तो ऊपर देखो मैनी था इसलिए सब कुछ प्लूरल। हाँ, मैनी और ए मैनी सेम है, मैनी और ए मैनी सेम है, ज्ञान होने के बाद में शॉर्टकट खुद बना लोगे, लेकिन वो कैसे कैसे पेपर में डालेगा वो मेरा सिखाना जरूरी है। जैसे अभी केवीएस का पेपर आपका आ रहा है, टीचिंग एग्जाम होता है, डीएसएस भी होने वाला है बच्चों का, सीजिल होने वाला है बच्चों का, मेन सीपीओ होने वाला है। तो ये जो एग्जाम्स हैं बिना वर्ब के थोड़ी ना बन जाएंगे, वर्ब का क्वेश्चन तो आएगा, और मैं कह रही हूं टॉपिक पूरा होने दो, जितना कराऊंगी उसके बाहर से नहीं आएगा। कोई एग्जाम उठाना तुम प्रीवियस ईयर करके देखना, मुझे आके बताना कमेंट सेक्शन में कि हां जी मैम जो आपने कराया वो दिख रहा था पेपर में। ज्ञान होगा ना बेटा तो सब होगा। मैनी के पीछे ए, सब्जेक्ट करना पड़ेगा सिंगुलर, वर्ब की तो सेकंड फॉर्म है, सिंगुलर प्लूरल दोनों का काम करती है। फिर से मैनी के पीछे ए, सब्जेक्ट तो ठीक है, अब की बार वर्ब करनी पड़ेगी सिंगुलर। अकेला मैनी यानी सब्जेक्ट भी प्लूरल और वर्ब भी
प्लूरल, तो हैज का बन गया बेटा हैव। मैनी अ ब्राइड, अब ए कह रहा है ब्राइड तो ठीक है दुल्हन, पर वर्ब आनी चाहिए सिंगुलर हैज। फिर से मैनी के पीछे ए, तो सब्जेक्ट सिंगुलर होना चाहिए ना, एम एन, वुड तो मॉडल है, सिंगुलर प्लूरल दोनों का काम करता है, तो मैन होना चाहिए था। इंग्लिश की किसी भी लाइन में आपको नथिंग शब्द दिख रहा है, एनीथिंग शब्द दिख रहा है या एवरीथिंग शब्द दिख रहा है, अगर इसके साथ बट लगा दोगे, बेसिकली ये फ्रेजेस है बेटा, नथिंग बट, एनीथिंग बट, एवरीथिंग बट, और इसका मतलब होता है इसके सिवाय कुछ नहीं चाहिए, इसके सिवाय कुछ नहीं चाहिए, तो कुछ नहीं का सेंस ये हमें देते हैं। तो इनके साथ सब्जेक्ट तो चलता है कैसा भी, सिंगुलर भी और प्लूरल भी, लेकिन वर्ब हमें लेनी होती है सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर। सब्जेक्ट चलेगा कैसा भी, सिंगुलर भी और प्लूरल भी, लेकिन वर्ब आएगी सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर। सब्जेक्ट कैसा भी चलेगा, सिंगुलर प्लूरल, पर वर्ब आएगी सिर्फ सिंगुलर। सब्जेक्ट कैसा भी, सिंगुलर प्लूरल, वर्ब आएगी सिंगुलर। मैंने कहा नथिंग बट बॉयज आर लेफ्ट, लड़कों के सिवाय कोई नहीं बचा है, हिंदी बनेगी लड़कों के सिवाय कोई नहीं बचा है, तो नथिंग बट बॉयज आर लेफ्ट, बच्चे को देखना है नथिंग बट है भाई। सब्जेक्ट तो कैसा भी चलेगा, पर वर्ब होनी चाहिए सिंगुलर। सब्जेक्ट तो कैसा भी चलेगा, पर वर्ब होनी चाहिए सिंगुलर। सब्जेक्ट सिंगुलर भी प्लूरल भी, पर वर्ब सिर्फ सिंगुलर। पांच क्वेश्चन, सब्जेक्ट कैसा भी चलेगा, वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए, नथिंग बट, सब्जेक्ट कैसा भी चलेगा पर वर्ब होनी चाहिए सिंगुलर। सब्जेक्ट कैसा भी चलेगा, वर्ब होनी चाहिए सिंगुलर, फिर से नथिंग बट, सब्जेक्ट कैसा भी चलेगा, वर्ब सिंगुलर, फिर से सेम रूल, सब्जेक्ट कैसा भी, वर्ब सिंगुलर, नथिंग बट, सब्जेक्ट कैसा भी, वर्ब सिंगुलर, एनीथिंग बट, सब्जेक्ट कैसा भी, पर वर्ब सिंगुलर।